हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 25 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे कि पीएलए सेड गलवान क्लैश वाज अनफॉर्चुनेट, यानी कि पब्लिक लिबरेशन आर्मी, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना का, उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि गलवान में जो क्लैश हुआ अनफॉर्चुनेट था। साथ ही ये भी कहा गया है कि इंडिया को जो है गलवान से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि गलवान हमारा हिस्सा है। तो एक्चुअली तो सर गलत बात है ना, मतलब कि इंडिया का हिस्सा है तो हर कोई जानता है, लेकिन उन लोग का ऐसा कहना है। तो शायद अभी सबक उन लोग नहीं सीखा है बढ़िया से। तो यहाँ पे जैसा कहा है कि इंडिया एंड चाइना हैव एग्री टू डिसएंगेज फ्रॉम 3 फिक्शन पॉइंट इन लद्दाख, से इंडियन ऑफिशियल। तो यहाँ पे जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा कहा गया है कि एक अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ है ना। नेक्स्ट है कि यूजीसी में इसके लिए फाइनल ईयर एग्जाम, तो जो इस बार फाइनल ईयर एग्जाम होने वाला था उसको यूजीसी के द्वारा मना किया गया, मतलब कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा चांस लगाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए जो फाइनल का एग्जाम था उसको भी रोक दिया जाएगा यूजीसी के द्वारा, जितने भी मतलब कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले थे। और साथ ही जो है आईसीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला था महाराष्ट्र में, उसको रोक दिया गया। बाकी सारे स्टेट में होगा एज शेड्यूल, लेकिन महाराष्ट्र में भी नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिट नहीं दे रही है। साथ ही सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, जो बचा हुआ 12th का एग्ज़ाम है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देखते हैं कि मर्जर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल इन फाइनल स्टेज। तो कुछ ही दिन पहले न्यूज आया था कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, जो आपका दो टीवी अभी दिखता है, RSTV दिखता है, एक होता है LSTV, है ना। ये दो चैनल अभी हैं, दोनों चैनल आप टीवी पे देखते हैं, साथ ही यूट्यूब पे भी दोनों चैनल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। RSTV खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये दोनों मिलाकर के एक ही चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसका मर्जर फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, तो वहीं बताया गया द प्रोसेस ऑफ मर्जर फॉर राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी इनटू संसद टीवी, है ना, इसको बना दिया जाएगा, संसद टीवी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। लाइव प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट सेशन विल कंटिन्यू टू बी टेलीकास्ट, बट द मैन पावर एंड टेक्निकल रिसोर्स विल इंटीग्रेट। तो कहा जा रहा है कि एक ही चैनल पर दोनों जगह का लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैन पावर घटेगा, मतलब वहाँ पे जो टेक्निकल रिसोर्स लगते हैं दो चैनल को मॉनिटर करने में, क्योंकि संसद कुछ दिन चलता है, साल के कुछ दिन संसद चलते हैं, लेकिन टीवी को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, उतने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, मतलब दो चैनल का हर चीज़ करना पड़ता है। सोर्स डेट लॉन्च भी कुड बी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत तक ऐसा हो जाएगा, हालांकि डेडलाइन कोई फिनिश नहीं किया गया है। याद रखिए कि लोकसभा को 2006 में चालू किया था, लोकसभा नहीं है, लोकसभा टीवी को 2006 में चालू किया था, राज्यसभा टीवी RSTV जो है उसको 2011 में चालू किया गया था। दोनों भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। ये नंबर लास्ट ईयर आपने डिस्कशन बिटवीन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रसार भारती चेयरमैन सूर्य प्रकाश वाज सेटअप, है ना। तो उनके कमेटी एक सेटअप किया था, जिसमें फरवरी में रिपोर्ट आया, इसमें ऐसा बताया गया था, ठीक है, कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। नेक्स्ट, RBI बिल सुपरवाइज कॉरपोरेशन बैंक। तो अब यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है कि कॉरपोरेशन बैंक जो भी हमारे इंडिया में, उसको RBI के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी जैसे जो कॉरपोरेशन बैंक होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में देखा गया कि कॉरपोरेशन बैंक फेल कर रहे हैं, फेल करने मतलब कि वो दिवालिया घोषित हो जा रहे हैं, उनसे लोग लोन ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, रेगुलेशन का कमी वहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रभाव, इस कारण से वहाँ पर जो स्टाफ बैठाए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो जा रहे हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर एक प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रही है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया है अभी कि कॉरपोरेशन बैंक इंडिया में जितने भी कॉरपोरेशन बैंक जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते थे, अर्बन हो या फिर रूरल हो, ठीक है, तो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसको RBI के अंदर लाना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर ला रहा है, ठीक है। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो Article 123 के तहत ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा लाया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है Article 123 के तहत पावर मिलता है और 213 का पावर मिलता है गवर्नर को, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस लाया कब जाता है, जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई एक भी सेशन में नहीं हो, मतलब लोकसभा सेशन में राज्यसभा नहीं है, यदि लोकसभा नहीं है राज्यसभा, या फिर दोनों नहीं है, तीनों केस में ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। यदि दोनों यदि सेशन में है तो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ जो होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है, यानी कि 6 महीना 6 सप्ताह इसका मैक्सिमम लाइफ होता है। एक्चुअली 6 महीना क्यों कहा गया, तो जैसे इसमें रूल है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों का, जब जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ से 6 वीक तक ही कन्फ्लुएंस में रहेगा, मतलब 6 वीक तक ही प्रभाव में रहेगा, उसके बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। यदि ऑर्डिनेंस को आगे लाना चाहते हैं, तो सरकार यदि चाहती है कि ऑर्डिनेंस को आगे कैरी किया जाए, तो सरकार को उसके लिए बिल लाना पड़ेगा, संसद में पेश कराना पड़ेगा, ठीक है। संसद में उसको पास करा के फिर से एक्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और साल में कम से कम 2 बार सेशन होना जरूरी है, इसलिए मैक्सिमम गैप जो होगा 6 मंथ का होगा, जिस दिन से सेशन स्टार्ट होगा उस दिन से 6 वीक तक, यानी मैक्सिमम एज जो होगा ऑर्डिनेंस का 6 मंथ प्लस 6 वीक होगा, ठीक है। हालांकि एज काफ़ी कम होता है ऑर्डिनेंस का, मतलब कि जैसे सेशन स्टार्ट होगा उस दिन से 6 वीक हो जाता है,
तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अभी जो है 1540 यहाँ पे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक है जिसको यहाँ पे किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे टर्म है शेड्यूल बैंक, ठीक है। RBI एप्लीकेबल टू द शेड्यूल बैंक, ठीक है। जो शेड्यूल बैंक को जो नियम कानून लगता है वही कॉरपोरेशन बैंक पे भी अब लगेगा। तो शेड्यूल बैंक क्या होता है, तो RBI एक्ट 1934 का है, RBI एक्ट जो है 1934 का है, उसके सेक्शन 2 याद रखिए, उसके सेक्शन 2 में जिस बैंक का नाम लिखा गया उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। तो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में, मतलब सेकंड सेक्शन में जो है जिसका नाम लिखा गया है, जिस बैंक का नाम लिखा गया है उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है, RBI एक्ट के सेकंड सेक्शन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वहीं पर आपको ऑपरेशन बैंक को भी लिख दिया जाएगा और उस तरीके से यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट, NGT 6 रिपोर्ट ओवर प्ली ऑन स्लॉटर हाउस वेस्ट, तो दिल्ली में एक स्लॉटर हाउस वेस्ट के ऊपर प्ली गया है NGT में। NGT क्या है, तो नेशनल ग्रीन टर्मिनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक्चुअली ट्रिब्यूनल होता क्या है, ये छोटा मोटा कोर्ट होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है, ठीक है। जैसे एक होता है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये भी एक तरह का कोर्ट होता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट जो किसी खास पर्पज से बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सारे पर्पज के केस जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो भी जाएगा इन्वायरमेंटल पर्पज का केस जाएगा। तो NGT का स्थापना हुआ था 2010 में, स्टैच्यूटरी बॉडी है NGT एक्ट 2010 के तहत। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चार जगह इसका ब्रांच ऑफिस है, CPC भी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, भोपाल, चार जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। किसी भी केस को इसको 6 महीने में सोल्व करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसके चेयरमैन होते हैं, जैसे अभी आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरमैन है, रिटायर्ड जस्टिस है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है सब में डील करता है, लेकिन दो लॉ को छोड़ के, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों को छोड़ करके सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको फॉलो करता है, प्रोसीजर ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारा है 1908 का, उसको फॉलो नहीं करता है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या आता है, तो ऐसे तो इसमें कई टर्म आते हैं, लेकिन मेनली इसमें दो टर्म है। पहला कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं होगा, दूसरा किसी को बिना सुने सजा नहीं होगा, तो ये उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे है ED टू प्रो फ्रेश केस अगेंस्ट, यहाँ पे एक ICIC में जो यहाँ पे हुआ था, मतलब कि कुछ वहाँ पे वित्तीय अनियमितता हुआ था, मतलब कुछ वहाँ पे फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हुआ था, है ना, कुछ गलत तरीके से पैसा को निकाला गया था, लोन दिया गया था चंदा कोचर के द्वारा, उस समय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो उनके ऊपर केस चलेगा। उसी के बारे में तो ED के ऊपर अभी केस चल रहा था, एक फ्रेश केस यहाँ पे फिर से दायर किया गया है। ED के बारे में पढ़ लेते, ED एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में वर्क करता है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में वर्क करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्समिंग इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1 मई 1956 को इसको बनाया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम था EU, उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। 1 मई 1956 को इसको बनाया गया था, नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत अंदर आता था, ठीक है। उस समय जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ED, 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ED, और ये अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। ये मेनली दो लॉ में डील करता है, कि फेमा एक्ट 1999, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एक PML एक्ट 2002, PML एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके तहत ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं, तो पाकिस्तान रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट, तो FATF के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान जो FATF के ग्रे लिस्ट में भी रहने वाला है, तो FATF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। अंतर सरकारी संगठन मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता है। इसको बनाया गया था G7 कंट्री के कहने पे 1989 में बनाया गया था, ठीक है, G7 कंट्री के कहने पे 1989 में बनाया गया था, 1989 में इसको बनाया गया था। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था 1989 में G7 कंट्री के कहने पे। OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, OECD का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है, मतलब उसी हेडक्वार्टर में FATF का भी हेडक्वार्टर अटैच किया गया, FACF का अलग से हेडक्वार्टर नहीं है। और इसका काम क्या है, तो जब बनाया गया था 1989 में, तो उस समय इसका काम था कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका मेन काम था। लेकिन 2001 में जो अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके बाद इसका काम बढ़ा करके टेरर फाइनेंसिंग कर दिया। तब इसका दो काम है, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग को देखना, ठीक है। एक्चुअली 2001 के पहले दुनिया मानता ही नहीं था कि आतंकवाद का नाम का कोई चीज़ होता है। इंडिया कहता था कि आतंकवाद है, तो लोग कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के आपस की लड़ाई है, आतंकवाद नाम का कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर बम गिराया गया, तब उसका आँख खुला और समझ में कि नहीं, आतंकवाद होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर दुनिया ने टेरर को एक्सेप्ट किया कि नहीं, टेरर नाम का भी कोई चीज़। उसके पहले दुनिया में कोई भी टेरर को मजाक समझता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, है ना, तुम दोनों का आपस की लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान का, ऐसा लोग बोलते थे। तो 2001 में जब अटैक हुआ वहाँ पे,
तो उसके बाद टेरर फाइनेंसी को इसमें इंक्लूड किया गया 2001 में, है ना, 1989 में G7 के द्वारा बनाया गया था, तो उसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग इसका काम था। इसमें अभी 39 मेंबर है जिसमें 37 कंट्री है, यानी 37 कंट्री इसके मेंबर हैं, और दो यहाँ पे संगठन, एक है EU है, यूरोपियन यूनियन, एक है GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मतलब टोटल 39 मेंबर है जिसमें 37 कंट्री और दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, GCC प्लस EU दो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसके द्वारा ग्रेलिस्ट और ब्लैकलिस्ट निकाला जाता है। ग्रेलिस्ट का मतलब कि जो कंट्री ब्लैकलिस्ट होने वाली है, ठीक है, मतलब उस पर कुछ यहाँ पे अंकुश लगाया गया है, उसको चेतावनी दिया गया है कि आप अपना कार्रवाई कीजिए नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो ग्रेलिस्ट में अभी 7 कंट्री हैं जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका भी है, ठीक है, ग्रेलिस्ट में 7 कंट्री है जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका है, और भी 5 कंट्री है, तो लेकिन हमारे बॉर्डर पर, मतलब कि हमारे जो नेबरहुड में, 2 ही कंट्री पर है जो पाकिस्तान और श्रीलंका। उसके अलावा ब्लैकलिस्ट में 2 कंट्री है, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है ईरान। तो याद रखिए ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैकलिस्ट है, 39 नेशन इसमें है। ये था इफेक्टिव के बारे में। यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया गया, UNSC का रेजोल्यूशन नंबर 1267, ठीक है, UNSC का रेजोल्यूशन नंबर 1267 याद रखिएगा, ये टेरर से रिलेटेड है, ठीक है, ये टेरर से रिलेटेड, इसको अलकायदा तालिबान सेंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको अलकायदा तालिबान रेजोल्यूशन भी बोला जाता है, मतलब कि इसी लिस्ट में जो है आतंकवादी का नाम लिखा जाता है। कुछ दिन पहले आया था ना कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, तो कहाँ घोषित किया गया, उसका नाम कहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो UN का जो रेजोल्यूशन है, UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है 1267 है, UNSC का रेजोल्यूशन 1267, वहीं पे उसका नाम लिख दिया जाता है तब वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो जाता है, ठीक है। तो भी याद रखिएगा, UNSC का रेजोल्यूशन नंबर 1267 किसी से रिलेटेड है, तो यूनाइटेड किसी को इंटरनेशनल टेरर घोषित करने से, ठीक है। तो ये था FATF के बारे में सब कुछ। इंडिया और चाइना दोनों FATF के मेंबर है, याद रखिएगा। और सबसे लेटेस्ट में जो कंट्री ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया सबसे लेटेस्ट में कंट्री ज्वाइन करने वाला है FATF को, 39 मेंबर है जिसमें 37 कंट्री है, दो ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हम लोग, तो एजुकेशन गैप वाइंडेड यूनेस्को, तो यूनेस्को का ऐसा कहना है कि एजुकेशन गैप और बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन बताया गया कि स्कूल क्लोजर ड्यू टू पेंडेमिक, है ना, स्कूल क्लोजर, स्कूल बंद हो चुके, तो जो बच्चे पहले पढ़ने जाते थे उनका पढ़ाई भी छूट गया है, और दोबारा उनको स्कूल में जाने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनका बिजनेस छूट गया, उनका जो रोजी रोटी था वो बंद हो गया है, जिसके कारण से वो बच्चे को पढ़ने, मतलब कि ऐसा सोचा जा रहा है कि बच्चे को पढ़ने नहीं भेजेंगे बल्कि काम पे भेजेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है परिवार चलाने में भी। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 16 नंबर 45 को, 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, 16/11/1945 को। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ये था यूनेस्को के बारे में। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा और भी कई रिपोर्ट निकाले जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये भी यूनेस्को के द्वारा निकाला गया है। इसके अलावा इसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, इंटेंजिबल कल्चरल साइट घोषित किया जाता है, ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो इंडिया में टोटल मिला के 38 यहाँ पे कल्चरल साइट हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल सकते हैं, 38 हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। तो इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट 4.5% ऑन COVID-19। तो कहा जा रहा है COVID-19 के कारण इंडिया का जो GDP है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, तो माइनस में जाने वाला, निगेटिव में -4.5 का ग्रोथ होगा यहाँ पे। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि इतना निगेटिव में जाएगा इंडिया ग्रोथ, वहाँ पॉजिटिव में रहेगा, भले 1% रहे 2% रहे, लेकिन रहेगा पॉजिटिव में, जैसा कि मेरा अनुमान है। अब आने वाला समय बताया कि IMF सही था या हम सही थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ IMF के बारे में देख लें। तो याद रखिए IMF का प्रोजेक्शन है कि -4.5% इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा इस साल का, ठीक है। तो हम लोग IMF के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 189 कंट्री जाते हैं 189, और इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा वाशिंगटन पूरा लिखना है, Washington DC लिखना है ना, वाशिंगटन अलग स्टेट है अमेरिका का, Washington DC अलग है। Washington DC में DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो यानी Washington DC ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है वहाँ पे। तो Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है, 189 कंट्री है, 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा याद रखें IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को मिलाकर के बोला जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है, ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, क्योंकि दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही दोनों का जन्म हुआ था, इसलिए दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, यानी कि जुड़वा। आगे पढ़ते हैं, टू मार्क तिलक डेथ सेंचुरी पुणे NGO एम टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ लाल बालपाल। तो पहला तो यहाँ पे याद रखें लाल बालपाल किसको बोलते हैं, तो लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, ठीक है।
तो बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पे क्या है, डेथ सेनेटरी है। तो याद रखिए उनके मृत्यु का 100 साल पूरा होने वाला है, उनके मृत्यु का 100 साल पूरा होने वाला है। एक्चुअली इनका मृत्यु कब हुआ था, तो जब भारत छोड़ो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, असहयोग आंदोलन जब 1920 के आसपास चालू होने वाला था, तो जिस दिन चालू होने वाला था उसी दिन इनका डेथ हो चुका था। ठीक है, जिस दिन चालू होने वाला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी दिन इनका डेथ हो गया था। इसीलिए इसको बाद में कुछ दिन के लिए डिले भी किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और वहाँ पे एक तिलक स्वराज फंड भी एस्टेब्लिश किया गया था इनके नाम पे, जहाँ पे हर घर से चंदा मांगा गया था, जिसको जो डोनेशन मांगा गया था ऐसा बोल सकते हैं। और लाल बाल पाल के बारे में याद रखिएगा, इनके द्वारा एक पेपर यहाँ पे न्यूज़पेपर एडिट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये उनका ओरिजिनल इमेज है ना, ये उनका ओरिजिनल इमेज है, काफ़ी क्लियर नहीं है क्योंकि उस समय कैमरा इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता था। तो बाल गंगाधर तिलक वर्किंग एज एडिटिंग न्यूज़पेपर केसरी, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया था केसरी। ठीक है, और जो यहाँ पे देशद्रोह का जो चार्ज लगाया था, राजद्रोह का जो चार्ज लगाया था, सेडिशन का जो चार्ज लगाया जाता है सेक्शन 124A के तहत, आईपीसी जो सेक्शन, आईपीसी जो है इंडिया का इंडियन पेनल कोड, उसका सेक्शन 124A के तहत जो सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है, राजद्रोह का केस लगाया जाता है, सबसे पहली बार इनके ऊपर ही लगाया गया था। ठीक है, आईपीसी जो है 1860 का है, ठीक है, लेकिन 1870 में जो है 1870 में 124A जो सेक्शन है उसको ऐड किया था, राजद्रोह का जो सेक्शन है 124A उसको 1870 में ऐड किया था, ओरिजिनल वाले आईपीसी में ये नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिनल आईपीसी लॉर्ड मकाले के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड मकाले इंडिया का पहला अटॉर्नी जनरल भी थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत नियुक्त हुए थे। तो हम लोग उतना डिटेल में उधर अभी नहीं जाएंगे, हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का डेथ सेनेटरी है, यानी 100 साल उनका डेथ का पूरे होना है। तो पुणे का एक एनजीओ है जिसका नाम है सरहद, ठीक है, पुणे का एक एनजीओ जिसका नाम है सरहद, उसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया, लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के, टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ लाला लाजपत राय के बारे में भी दिया है, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य भी बोला जाता था, लोकमान्य भी बोला जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस एनजीओ के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि लाल वाल पाल के बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में पता भी नहीं इनके बारे में, है ना। किसी से पूछो आज़ादी में लड़ाई में किनका योगदान था, तो मुंह पे दो चार को नाम आता है, नेहरू, गांधी और भगत सिंह, जाते जाते सब थक जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि हाउ डीजल गोट कॉस्टलियर देन पेट्रोल, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है अभी एक चमत्कार हुआ है कि डीजल महंगा हो गया है पेट्रोल से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जो चमत्कार हुआ केजरीवाल गवर्नमेंट में आखिर हुआ कैसे, मतलब कि कौन सा यहाँ से जीन निकला, उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि पेट्रोल जो है डीजल से काफ़ी, मतलब कि डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस गैप होता है लगभग 8 रुपया 9 रुपया के आसपास होता है बिहार में, है ना। हालांकि कभी कभी 3-4 रुपये का गैप भी आ जाता है, लेकिन हमेशा देखा गया कि पेट्रोल महंगा रहता है डीजल से, किसी भी स्टेट की बात किया जाए, अभी भी दिल्ली के अलावा हर जगह देख लिया जाए तो पेट्रोल महंगा है डीजल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ प्राइस लिस्ट दिया गया है, तो 79.76 रुपया है, यहाँ 79.88 रुपया है, तो डीजल महंगा हो गया है। गुजरात में देखिए तो अभी भी सस्ता है डीजल, कर्नाटका में देखिए तो 7 रुपये का डिफरेंस है, वहीं देखिए मुंबई में देखिए तो 8 रुपये का डिफरेंस है, तो 7 रुपये 8 रुपये का डिफरेंस हर जगह रहता है, तमिलनाडु में 6 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो डीजल नॉर्मली सस्ता हुआ करता था पेट्रोल से। हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हुआ कैसे, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइस ऑफ दिल्ली, सॉरी प्राइस ऑफ डीजल इन दिल्ली है सरपास दैट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है। डीजल अप टू 45 पैसे पर लीटर टू 79.88, तो कहा जा रहा है कि डीजल का प्राइस जो है 48 पैसा बढ़ गया, वहीं पेट्रोल वहीं पर रह गया। डीजल प्राइस रिमेन लोअर देन दो जब द पेट्रोल एल्सवेयर इन द कंट्री, दूसरे जगह जो अभी भी पुराने सिस्टम ही है ना, डीजल का प्राइस पेट्रोल से कम है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन बाई 8.5 रुपीज लीटर एंड डेट ऑफ डीजल बाई 10 रुपये सिक्स जून से, मतलब अगर 7 जून से देखा जाए तो पेट्रोल का प्राइस 8.5 रुपये बढ़ा है, वहीं डीजल का देखा जाए 10.5 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दिस हैपन दिल्ली, दिल्ली में ऐसा हुआ क्यों। तो द प्राइस गैप बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल वाज 7.30 रुपये ऑन May 5, तो 5 मई को भी यहाँ पे 7.5 रुपये प्राइस गैप था। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा वैट लगा दिया गया। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बारे में कई बार हम डिटेल में चर्चा की, इसलिए अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिएगा इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वेरी करता है, आप कहाँ पे किसी सामान को खरीद रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पे वैट लगाया जाता है। ठीक है, तो वैट को बढ़ाया गया 30% फ्रॉम 16.75%, तो कहा जा रहा है कि वैट को 30% बढ़ाया गया कहाँ से, तो पहले 16.75% था, वहाँ से 30% वैट बढ़ा दिया गया, मतलब पहले यदि 16.75 रुपये 75 पैसा चार्ज होता था एक्स्ट्रा, तब वहाँ से 30 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग 14 रुपये बढ़ा दिया गया। वहीं पेट्रोल पे पहले 27 रुपये चार्ज होता था, तो 30 रुपये उसको बढ़ाया गया था, यानी पेट्रोल पे जो वैट बढ़ाया गया वो कम था। ठीक है, तो डीजल एट अल्सो अटैक्ट एडिशनल एयर एम्बियंस लेवी ऑफ 250 रुपये पर किलोमीटर, तो कहा जा रहा है कि उसके अलावा डीजल पे एक्स्ट्रा एक एयर एम्बियंस लगाया जाता है, एडिशनल एयर एम्बियंस लेवी लगाया जाता है, लेवी यानी एक तरह का सेस लगाया जाता है,
डीजल पे 250 रुपये पर किलो लीटर, यानी कि 1000 डीजल बेचने 1000 लीटर डीजल बेचने पर 250 रुपये एक्स्ट्रा लगाया जाता है। यानी कि 1 लीटर पर यदि प्राइस जोड़ा जाए तो 250 बाई 1000 यदि कर लीजिए तो 0.25, यानी कि 4 आना पर लीटर एयर टैक्स है। ऐसा मान लीजिए कि एयर को आप पोल्यूट करें, क्योंकि डीजल जो है पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा पोल्यूट करता है, ठीक है। तो 4 आना पर लीटर जो है यहाँ पे डीजल के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, पोल्यूशन चार्ज। ऐसा इंडायरेक्टली समझ लीजिए। जैसे बराबर डीजल प्राइस विद इन 2 रुपीज़ टू प्राइस ऑफ पेट्रोल एट द टाइम गैप, तो इससे क्या हुआ कि गैप जो पहले 7.5 रुपये का था वो 2 रुपये का हो गया। द गैप हैज क्लोज इन द OMC हाइकिंग डीजल प्राइस। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो डीजल का प्राइस बढ़ते गया, और पहले क्या हुआ कि इधर स्थिर था तो टैक्स बढ़ा दिया गया, अब टैक्स स्थिर करके ये बढ़ गया अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में, इसके कारण से डीजल का प्राइस जो है बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस न्यूज़ में यहाँ पे भी देखिए कि जैसे किस कंट्री में किस स्टेट में कितना लगाया जाता है, तो 30% वैट दिल्ली में है, उसके अलावा गुजरात में 17% वैट है। तो डीजल प्राइस जो होता है, डीजल का एक्चुअल प्राइस इतना नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने सब वैट लगा करके लगभग जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का वहाँ पे सरकार हो, लगभग हर जगह 30% के आसपास वैट वहाँ पे है। 30% वैट नहीं है तो फिर किसी तरीके से 30% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, मतलब कि फलना शुल्क ऐसे लगा करके। जैसे यहाँ पे देखिए गुजरात में 17% वैट है प्लस 4% सेस लगा दिया गया है, ठीक है, 21% हो गया। कर्नाटक में 35% सेल टैक्स लगाया गया है। वहीं मुंबई में देखिए तो 26% वैट है प्लस 10 रुपये पर एडिशनल टैक्स, 1 लीटर के 10 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स है, ठीक है। वहीं तमिलनाडु में देखें तो 15 रुपया 13 रुपया एडिशनल टैक्स है। तो किसी न किसी तरीके से 1 लीटर में 30 रुपया टैक्स लेने का टारगेट है हर एक गवर्नमेंट का, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए डीजल का प्राइस बढ़े, पेट्रोल का प्राइस बढ़े, तो स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए क्यों प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे सेंटर का रोल काफ़ी कम होता है, हालांकि सेंटर का भी प्राइस होता है इसमें, टैक्स में सेंटर का भी रोल होता है। यदि दोनों अपना अपना टैक्स हटा दे तो मुश्किल से 25-30 रुपये लीटर पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल या डीजल, जो अभी 70-80 का चल रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 30 रुपये तो स्टेट गवर्नमेंट का ही टैक्स हो जाता है, करीब 15-16 रुपये के आसपास पे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप समझ सकते हैं कि डीजल कितना सस्ता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये टैक्स के कारण इतना ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।